सो फॉर गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में, दैट इज आल्सो नोन एज टू पीआर। लास्ट वीडियो में हमने शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में डिस्कस किया और उसकी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। तो टू फेज लॉकिंग एक्चुअल में है क्या, जो हमने सिंपल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक के बारे में डिस्कस किया उसकी आगे एक्सटेंशन हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है ताकि हम उसकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सके। तो बेसिकली क्या मॉडिफिकेशन हमने की है, टू फेज का मतलब है यहाँ पे हम दो फेजेस की बात कर रहे हैं। कौन कौन से फेजेस? ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब है जहां पे लोग एक्वायर करते हैं बट कोई भी लोग रिलीज नहीं करते, सिंपल सा मोटिव है यहाँ पे। और श्रिंकिंग फेज का मतलब जहां के हम लोग को रिलीज करते हैं और नो लोग सारे रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन आती है T1, ट्रांजेक्शन ने लेट से रीड ए करना है, ट्रांजेक्शन ने रीड ए करना है, राइट ए करना है, रीड बी करना है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लो, शेयर्ड लॉक ऑन बी ले लो। जैसे जिसने आगे जाके रीड ऑन सी करना है तो हमने शेयर्ड लॉक ऑन ए ले लिया, जैसे आगे जाके उसने रीड ऑन डी लेना तो हमने शेयर्ड लॉक ऑन डी ले लिया। तो इस तरीके से हम लॉक्स लेते जा रहे हैं, लॉक्स को अक्वायर करते जा रहे हैं। तो जब जब हम लॉक को अक्वायर कर रहे हैं, मतलब के हम लॉक्स को अक्वायर करने का मतलब है हम ग्रोइंग फेज के अंदर है। तो हम ग्रोइंग फेज के जैसे ही हमने आज जैसे ही मैंने अनलॉक ऑफ ए कर दिया, किसी को भी आपने अनलॉक कर दिया, जहां से आपने अनलॉक स्टार्ट किया वहां से आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। उससे पहले तक आप लॉक्स को अक्वायर करते जा रहे हो, कितने भी लोग आप ले सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका इधर से लेके इधर तक क्या है, ग्रोइंग फेज। और जैसे ही आपने पहला लोग कोई भी लोग मतलब कि अनलॉक किया, यहां से आपका अनश्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो जहां से श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तो वहां से क्या करें, लोग आर रिलीज ओनली, नो लोग आर रिलीज। तो इस फेज के बाद आप सिर्फ लोग को रिलीज कर सकते हो, तुरंत करना है थोड़ी देर बाद करना वो आपकी मर्जी है, या जब आप करना चाहते हो, लेकिन जब आप कोई भी लॉक का बात रिक्वायर नहीं कर सकते। तो ग्रोइंग फेज में हम सिर्फ लॉक को लेते हैं और श्रिंकिंग फेज में लॉक को रिलीज करते हैं। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, इससे हम बेसिकली अचीव कर रहे हैं सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि सिंपल शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक प्रोटोकॉल में नहीं था। और सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमने 2PL प्रोटोकॉल यहाँ पे बनाया। तो 2PL जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे सीरियलाइजेबिलिटी अचीव कर रहा है, लेट्स से दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। अब T1 आया, उसने क्या करा, मुझे रीड ऑन ए करना है, राइट ए करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया, सिंपल जैसे हम नॉर्मल करते रीड राइट ए करना, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। यहाँ पे अब रिलीज करने की जरूरत है, लेट्स से T2 आया, T2 इस पॉइंट पे कह रहा मुझे रीड ऑफ ए करना है। अब रीड ऑफ ए नॉर्मल जो हमारे पास सिंपल शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल था, अगर हम यहाँ पे अनलॉक कर दे तो इसको लॉक मिल जाएगा, लेकिन इसका अभी ग्रोइंग फेज स्टार्ट है। लेट्स से इसने फ्यूचर में जाके रीड ऑफ बी करना है, तो रीड ऑफ बी करने के लिए ये क्या करेगा, शेयर्ड लॉक ऑन ए की भी डिमांड करेगा। तो यानी या इस टाइम पे क्या कर रहा है, ग्रोइंग फेज में स्टार्ट हुआ है, मतलब के ग्रोइंग करता जा रहा है, श्रिंकिंग अभी नहीं कर रहा। तो श्रिंकिंग कहाँ पे करेगा, लेट से यहाँ पे उसने पहला लॉक जो है रिलीज कर दिया, अनलॉक ऑफ ए कर दिया, या तो उसने अनलॉक ऑफ ए किया तब जाके इसको शेयर्ड लॉक ऑन ए ग्रांट करेंगे। तो उससे पहले ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी चल रही है और बीच में आके उसकी वैल्यू को कोई रीड या राइट करना चाह रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको वेट कर रहे हैं, उसको एक तरह से ब्लॉक कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसका अभी ग्रोइंग फेज स्टार्ट है। जब इसका श्रिंकिंग फेज इधर से स्टार्ट हो गया, जैसे इसने अनलॉक को फेक कर दिया, आप अगर ये कह रहे हैं मुझे लेट से लॉक ऑन सी लेना या लॉक ऑन डी लेंगे तो हम इसको कोई लॉक नहीं देंगे, फ्यूचर में जाके इसको अनलॉक ऑफ बी भी करना पड़ेगा, ये सिर्फ अब अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि अब इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो सिंपल सा सीरियलाइजेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है, हम पहले T1 को मतलब कि T1 को स्टार्ट किया, बीच में T2 अगर आया तो हमने उसको एंटरटेन नहीं करना, तो हम पहले T1 को कंप्लीट कर रहे हैं फिर T2 पे जा रहे हैं। यानी T1 गोज टू T2, सीरियलाइजेबिलिटी सिंपल अचीव हो रही है। तो एक और केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, सीरियलाइजेबिलिटी तो अचीव होगी तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी ऑटोमेटिकली अचीव होगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन 2PL लॉकिंग को फॉलो कर रही है
तो वो हमेशा सीरियलाइजेबल होगा ही होगा। ये पॉइंट आप याद रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी टाइम आ चुके हैं, काफी दफा आ भी चुके हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। लेट्स से एक और शेड्यूल ले सकते हैं, एक शेड्यूल है हमारे पास ऐसा, उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। अब लेट्स से मैंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन जो कर लिया, अपना जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कर लिया है, जो भी टास्क कर लिया है, उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया हुआ। तो यहाँ पे कैसे 2PL लग रहा है, लेट्स से सबसे पहले क्या आया, लो कौन ऐसे T1 ने डिमांड किया मुझे शेड लो कौन ए चाहिए, तो हमने इसको दे दिया। ये इसका क्या चल रहा है, ग्रोइंग फेज चल रहा है, ग्रोइंग फेज है ना, देखो इसे लोक ऑन ए लिया, लोक ऑन बी लिया, तो हम इसको क्या ले रहे हैं, लोक देते जा रहे हैं। अब लेट से बीच में अगर T2 आती है, T2 ने बोला शेड लोक ऑन ए चाहिए, तो हम पहले चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, शेड लोक ऑन ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो शेड के ऊपर शेड दिया जा सकता है। यस, कई दफा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्राइम कर लेते हैं कि 2PL का मतलब है कि ए की ट्रांजेक्शन चलेगी। ऐसा नहीं है कि T2 का भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन कंपेटिटेबल टेबल। तो कंपेटिटेबल टेबल हमने शेयर लॉक एक्सक्लूसिव में डिस्कस किया था, जैसे हमने डिस्कस किया शेयर के ऊपर शेयर कितने दे सकते हैं, लेकिन शेयर के ऊपर एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव के ऊपर शेयर या एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, वो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सारी लिंक्ड वीडियो है, आप एक दफा जरूर चेक कर ले, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। अब यहाँ पे इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकता है, तो तभी, लेकिन अगर ये भी शेड लोग मांग ले, तो शेड के ऊपर शेड हम दे सकते हैं, ठीक है, ये भी अपना ग्रोइंग फेज स्टार्ट कर सकती है। तो यहाँ पे T1 का ग्रोइंग फेज चल रहा है, जैसे ही इसने अनलॉक ऑफ ए किया, अनलॉक ऑफ ए करने का मतलब है यहाँ पे इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। अब ये सिर्फ श्रिंक करेगी, मतलब श्रिंक करने का मतलब है लॉक्स को रिलीज करेगी, लेकिन कोई भी लॉक इसको नहीं मिलेगा। इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट है, लेट्स से इसने लॉक ऑन डी मांगा, तो लॉक ऑन डी हम दे सकते हैं, बिकॉज हमने लॉक ऑन बी दिया है, तो डिफरेंट वेरिएबल पे हम लॉक दे देंगे, ठीक है, इसका भी ग्रोइंग फेज यहाँ पे स्टार्ट है। अब यहाँ पे इसने अनलॉक किया ए को, तो इसको अनलॉक करते ही, अनलॉक ऑफ ए करते इसका भी श्रिंकिंग स्टार्ट हो गई, तो ये इसका ग्रोइंग फेज था, ये इसका ग्रोइंग फेज था, यहाँ पे इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, यहाँ पे से इसका स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम 2PL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, तो सीरियलाइजेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है, सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब के शेड्यूल है वो कैसे बनेगा, पहले T1 हुआ या T2 हुआ, इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे ट्रांजेक्शन लास्ट लॉक जो है वो ले लिया है, या आप कह रहे हो कि जहां पर ट्रांजेक्शन पहला लॉक अनलॉक कर लिया है, उसको बोलते हैं हम लॉक पॉइंट। तो ये वाला जो है हमारा लॉक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक ऑफ ए किया, तो अनलॉक ऑफ ए किया और यहाँ पे लॉक ऑन बी लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। तो T2 को अगर लॉक पॉइंट फाइंड करे, तो कौन सा है लॉक पॉइंट, जैसे इसने पहला अनलॉक किया, पहला अनलॉक कहाँ पे किया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे की, ये टाइम इस तरीके से इंक्रीज कर रही है टाइमलाइन हमारी, तो किस टाइम पे किया, ये अनलॉक किया इसने, तो आप कह सकते हो इसका जो है लॉक पॉइंट क्या है, इसके ऊपर। तो लॉक पॉइंट मतलब कि जहां पे इसने रिलीज करना स्टार्ट किया पहला लॉक, वो इसका लॉक पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो इसका लॉक पॉइंट का बेसिस पे आप निकाल सकते हो, पहला लॉक पॉइंट किसका आया, T1 का पहला लॉक पॉइंट आया, तो T1 पहले हो गया, फिर जाके T2 का लॉक पॉइंट आया। तो इस तरीके से आप सीरियलाइजेबिलिटी इसको निकाल सकते हो, पहले T1 हो रही है या पहले T2 हो रही है। हाँ, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, लेट्स से अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए की डिमांड कर रहा है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए की डिमांड कर रहा है, तब अगर आप कहो कि इसका भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट है, नहीं, क्योंकि श्रिंकिंग फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसने शेयर लॉक को नहीं मांगा, हमने इसको दे दिया, क्योंकि ये पहले आया था, क्योंकि इसने एक्सक्लूसिव लॉक को नहीं मांगा। अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक को नहीं मांग रहा है, कंपैटिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग शेयर के ऊपर एक्सक्लूसिव नहीं देते, क्योंकि इसको साथ के साथ हम क्या कर देंगे, इसको हम ब्लॉक कर देंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम ब्लॉक कर देंगे, तो इसका कोई भी फर्दर ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ये शेयर के ऊपर शेयर मांग रहे, तब आप चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज, लॉक पॉइंट, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और हमेशा याद रखना 2P इज ऑलवेज इंश्योर द सीरियलाइजेबिलिटी। लेकिन 2PL के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।